तो दोस्तों मैं हूँ आपका शौज, लेकिन नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हमने लिया था एक हेलमेट, तो हेलमेट के अंदर हमारी एक थी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो अब हमें मिल गया है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या काम उसमें करा है और आप लोगों को मैं बताता हूँ उसे कैसे आपको करना है। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट रियल कैमरा। तो देख लो ये रहा अपना स्टड्स का थंडर, ठीक है। तो ये हमने जो कैमरा था, ये ये जो हेलमेट था, ये हमने हेलमेट इसको परचेस किया था। इस हेलमेट में एक प्रॉब्लम क्या थी, वो ये प्रॉब्लम थी, इस हेलमेट के जो स्टिकर्स थे ना, ये कंपनी के थ्रू जो स्टिकर्स लगे हुए आ रहे थे, तो भाई ये इसके निकल रहे थे। जैसे आप लोगों को पता होगा ये वाला स्टिकर मेरा निकल रहा था, मैंने वीडियो में बनाई थी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्टिकर इसमें निकल रहा था। तो अब आप लोग देख रहे हो कि इसके अंदर एक ना चमक आ गई। तो भाई ऑनलाइन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ऑनलाइन एक आता है स्प्रे पेंट जो कि होता है क्लियर कोट। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने करा एक स्प्रे पेंट जो कि है ये। ऑनलाइन जो ये मुझे मिला था, ये मिला था एक 180 रुपये के आसपास में स्प्रे पेंट आ गया था, ठीक है। 400 ml का स्प्रे पेंट था, इसी को मैंने पूरा ही इसमें मारा, इसमें मैंने 3 से 4 कोट मारी है, ठीक है। तो 3 से 4 कोट मैंने इसके ऊपर मारी है। अब इस हेलमेट की अगर आप वो देखोगे ना दोस्तों, इस हेलमेट के अंदर आप जो फिनिशिंग देखो, ये क्या फिनिशिंग आई। अब इस हेलमेट को देख के और भी ज़्यादा प्यार आ रहा है भाई। भाई पहले इधर मैट था, और पता है दोस्तों ये सारा स्टिकर जो था ना, और अभी हाल फिलहाल में लिया था तो भाई स्टिकर्स के निकलने लग गए थे। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ, कभी भी अगर आप भाई हेलमेट लो ना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, पेपर वाला तो लेना मत भाई, ये पेपर वाला था, ठीक है। तो अब ये क्लियर कोट मारने से क्या होगा, जैसे ये सब निशान है ना, ये देखो बिल्कुल प्लेन हो गए, ये अंदर ही अंदर चल गए। लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखना, आपने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से साफ़ करना, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसके अंदर प्रॉब्लम थंडर के अंदर क्या थी, मैंने सारी पैडिंग वैडिंग ये चीज़ तो अच्छी थी, बस इसके स्टिकर की वजह से मुझे थोड़ा वंस वो लगा। आप देखो नए हेलमेट के ऊपर यहाँ निशान आ गया, आप देखो ये जो है ना निशान, ये बिल्कुल इसके अंदर मर्ज हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। मैं उंगली फेर रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे प्लेन होता है ना, बिल्कुल वैसा हो रहा है। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करता हूँ, कभी भी अगर आप ऐसा कोई हेलमेट ले रहे हो तो भाई मैं तो पहले ही कहता हूँ, मैट तो बिल्कुल लो ही मत, मैट बेकार है भाई लेना, ठीक है। तो अब ये देखो ये सारे स्क्रैचेस इसमें आ गए थे, तो ये सारे स्क्रैचेस क्या, ये उस पेंट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए। तो यहाँ पे क्या ना, जितनी भी इसके अंदर फिनिशिंग है, ये एक तो ऐसी फिनिशिंग आई है, और दूसरा क्या है भाई, आपकी अब इसकी जो लाइफ है ना स्टिकर्स की, जो ऊपर स्टिकर्स लगे, इसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप इसी काम को कर सकते हो।